हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आज की वीडियो होने वाली है, अगर कोई सोच रहा हो कि 11th एंड 12th के लिए रहेगी तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये वीडियो बिल्कुल 6th क्लास से लेकर के पूरी 12th क्लास तक के बच्चों के लिए वैलिड है। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल पे अभी देख ही लिया होगा कि यार भैया क्या कह रहे हैं कि 5 से 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम या सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है और ये मैंने खुद ने अपनाई है, एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी कॉलेज में हूँ और मुझे आज भी टीचर समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करने से ही सही बात उन्होंने मुझे बताई और मैं आप लोगों तक कन्वे कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप अपना टॉपिक देख लीजिए, टिप्स फॉर द सब्जेक्टिव एग्जाम। कहने का मतलब है, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हम आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाले हैं जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर, फिर चाहे वो आपका 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, या आपका नॉर्मल 6th क्लास लेके 9th क्लास तक की वो एलिमेंट्री हो, ठीक है, उसमें आप मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। देखिए क्या होता है, हम क्या करता कि पेपर आया और पेपर में हमने देखा कि यार पेपर फर्स्ट क्वेश्चन तक 30 क्वेश्चन तक पहले नंबर से शुरू हो जाते हैं करना। सबसे बड़ी गलत फहमी है ये आपकी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए जो क्वेश्चन मेरे को ईजी लग रहा है, जो मेरे को आता है, जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूँ, मुझे बस वही टिक करना है, मेरे को वही अटेम्प्ट करने पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डू एग्जाम इन द राउंड्स। ठीक है, एग्जाम को हमें ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बच्चों की आदत, देखिए मैंने जब कोचिंग वगैरह में भी है ये आदत, बट ये आदत तो सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आपको हर जगह अपनाना है कि आपको सीधे सारे क्वेश्चन पे नहीं लगना है। आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्वेश्चंस कीजिए राउंड वाइज। जैसे सपोज कीजिए पहला राउंड आपका क्या होता है, जो मैंने बना रखा है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म भी है कि पहला राउंड ही होता है आपका क्या, अगर हम R1 की बात कर रहे हैं, R1 मतलब राउंड वन, उसमें आपको अटेम्प्ट करने वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी है, ये जो आप कह सकते हो मेरे को आते हैं, मैं फुल कॉन्फिडेंस से कर सकता हूं, जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इजी क्वेश्चन वाली बात। ठीक है, R2 मतलब वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एवरेज है। कहने का एवरेज मतलब ये होता है कि अगर आपको सपोज जो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको आता तो है लेकिन आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं पूरा कर पाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैं आधे करके छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ आधा कर लिया तो आधा नंबर वाला 2.5 नंबर तो मुझे वो देगा एग्जामिनर, वो वाले क्वेश्चन। और R3 जो आपको बिल्कुल हवा भी नहीं लग रही, ठीक है, बिना हवा वाला, बिना हवा मतलब बिल्कुल खत्म है वो क्वेश्चन, वो आपको आता भी नहीं, कुछ नहीं आता, आपको R3 में करना है। ठीक है, तो आप कम से कम R1 R2 अगर आपने कर लिया टाइम रहते हैं तो आप ये मान लो पास तो हो गए और अच्छे खासे 60-70 नंबर आप लाओगे। ठीक है, और 30 नंबर आपके बच जाएंगे जो आपको नहीं आता होगा, तो 60-70 नंबर गलत नहीं है अगर आप इस राउंड में करो, और ऐसे आपके कम आएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये हमें राउंड्स के अंदर करने चाहिए। अगला टॉपिक आता है आपका अटेम्प्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। क्या करते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, सपोज ये सर ने बता दिया कि हमें पहले वो अटेम्प्ट करने जो हमें आते हैं, लेकिन ये भी देखो कि जो आते हैं उनमें सबसे जो बड़े मार्क्स वाले ना, जैसे सपोज करो 5 नंबर 3 नंबर, आपको ये पहले करने चाहिए। क्या होता है, बच्चा एग्जाम में गया, ठीक है, और बच्चा एक्साइटेड हो गया कि यार वो जो क्वेश्चन मुझे आते थे और वही मेरे एग्जाम में आ गए, तो बच्चा हड़बड़ा जाता है कि यार मजा आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गया बच्चा, नहीं मैं तो कर रहा हूं। अब क्या होता है, बच्चा एक्साइटेड के चक्कर में 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 10 लाइन लिख आता है। ठीक है, और जब ऐसा तो करता है तो देखो, आप 2 नंबर में 10 लाइन लिखो या 2 नंबर में 2 लाइन लिखो, नंबर कितने देगा, मैक्सिमम पॉसिबल 2 नंबर मिलेंगे। तो हमें ऐसा करना है, क्यों है, हम तो कुछ ऐसा करेंगे यार कि 5 नंबर में वो हमें 5 दे और 2 में 2 दे, हमें तो इतना ही चाहिए ना यार। तो आप पहले वो वाला अटेम्प्ट करो जिस 5 दिन 3 दिन 2, जिससे क्या होगा बड़े क्वेश्चन अच्छा खासा लिखो, 3 में थोड़ा कम लिखो, और 2 में अगर आपने जल्दबाजी में आखिर में 2 मिनट में अगर एक एक लाइन भी लिख दी ना, तो भी 2 नंबर है अगर उसको ऑन द पॉइंट आपने लिख के दे दिया। ठीक है फ्रेंड, 5 नंबर में वो चाहता है अच्छा खासा डिटेलिंग चाहिए, आप यूं समझो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले एग्जामिनर को समझा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये भी समझ लिया। अब आता है यूज कीवर्ड्स। यार भैया कीवर्ड्स क्या समझा रहे हो आप, कीवर्ड्स मतलब ऐसा होता है कि यार आप जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो एग्जाम में आपके पास ये रहना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। सपोज करो आप है ना, सपोज करो कोई भी लाइन अंडरलाइन लिख रहे हो और उसमें एक मेन पॉइंट आप हाईलाइट कर दो, सपोज करो कुछ भी सपोज कर सकते हो, जैसे मर्चेंडाइज एक वर्ड हो गया, अभी मर्चेंडाइज आपने लिख दिया, हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री में मर्चेंडाइज कहीं आ रहा है, वो लिख दिया, अब वो मर्चेंडाइज कब स्टार्ट हुई, ठीक है, किसने स्टार्ट करी, उसका नाम, उसका ईयर और मर्चेंडाइज अंडरलाइन कर दो, टीचर मार्क देगा। देखो क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज आती है, कोई सी क्लास हो, सपोज करो 7th क्लास है, 40 बच्चे हैं, ठीक है, 1 दिन 2 दिन का टाइम मिलता है छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में ज्यादा नहीं मिलता, बोर्ड में भी बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो वो क्या देखते हैं कि यार नॉर्मल सारे बच्चे एवरेज है, 60-70 नंबर वाले हैं, इनको टिक 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 मार्क्स देते चलो। जब आपने कोई चीज हाईलाइट करी और हाईलाइट करते हो उसने देख ली कि भैया इसको हिस्ट्री भी पता है, इसको क्या बोलते हैं डेट भी पता है कि यार कौन सी डेट को हुआ, किसने किया, इतना पता है, मतलब ये बच्चा उन लोगों से तो ऊपर ही है, तो वो क्या करेगा, चलो हाईलाइट देख के वो पूरा नहीं चेक करता है, वो वैसे भी पूरा चेक नहीं कर रहा, फटाफट 3 नंबर देगा, आगे जाकर के उसको समझ में आ जाएगा बच्चा अच्छा है, इसकी कॉपी में ज्यादा गलतियां नहीं मिलेगी, छोटी मोटी गलती अवॉइड करने की कोशिश करेगा। समझ में आया आपको, तो ये चीज फायदा होता है हमारा कीवर्ड्स का। ठीक है, अगले हम बात करें अंडरलाइन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करोगे तो क्या होता है, एक कॉपी है आपने ब्लू पेन से सबको लिखा हुआ, लेकिन एक वर्ड पे आपने डबल लाइन अंडरलाइन कर दी तो वो हाईलाइट होगा, पेज खुदे फट दिखता है आपको, सीधे यार अंडरलाइन कर रखा है।
टीचर की नजर जाएगी, भले आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन टीचर की नजर चल जाएगी किसने अंडरलाइन किया, मतलब कुछ बात है, ठीक है। तो अंडरलाइन कर दो और अच्छे से दिखेगा, पॉइंट पॉइंट साथ साथ। बच्चे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिख देते हैं पूरा। अब टीचर के पास कॉपी जाएगी, टीचर ने देखा ठीक है भैया 5 नंबर का क्वेश्चन 12 लाइन लिख दी बच्चे ने, मैं पढ़ू कैसे है, मैं खुद उसको इतनी कॉपी अच्छा करनी, वो चेक करेगा तो सही, लेकिन वो सोचेगा आपकी, फिर वो क्या देखेगा, राइटिंग कीवर्ड्स देख लेगा, थोड़ी बहुत कीवर्ड्स है ही नहीं। आपने वो रामायण लिख दी, रामायण 5 नंबर की होती है, उसने दिया आपको 3 नंबर 3.5 नंबर, आप पूरा लिख के आओ नहीं देखेगा, पॉइंट्स वाइज देखो फटाफट और कीवर्ड हाईलाइट कर दो। टीचर कर गया भैया इतने पॉइंट में लिख दिया, कीवर्ड हाईलाइट कर दिया, फट 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 न्यू नंबर दे, 5 नंबर मिलते फिर आपको पूरे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट वाइज आंसर दिया, आपने बहुत बार सुना होगा नीट एंड क्लीन वर्क। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप है ना जो काम कर रहे हो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में करो, ऐसा कंपलसरी नहीं हुआ, बट ये कंपलसरी आप नीट एंड क्लास साफ सुथरा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओवर राइटिंग कर रहे हो, आप बहुत जगह काटा पीटी नहीं कर रहे, एक बार सोच लो और लिख लो, ठीक है। और काटा पीटी होती तो एक स्टॉक में काटना सिखाया होगा आपके टीचर ने, मैं भी बताया था, कभी भी अगर सपोज करो मैंने लिख दिया सचिन, ठीक है सचिन को मेरे को काटना है, तो बच्चे क्या करते हैं, ये गलत तरीका होता है। तरीका सही क्या होता है, आपको अगर कट करना है तो सचिन लिखा आपने तो एक स्टॉक में सिंगल स्टॉक में काटना होता है हमेशा, यहां से स्टार्ट को डी काट दिया आपने, बस ऐसे काटा जाता है, तो वो ज्यादा टीचर को ऐसे दिखता नहीं है कि हाँ भैया बच्चे ने गंदगी करी है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे मेक डायग्राम विद द लेबलिंग। डायग्राम आपको बनाने हैं, लेकिन इसका अंदर ये नहीं कि आप 2 नंबर 3 नंबर बना दो, मतलब ऐसा होता है कि क्या होता है ना, बहुत सी जगह आपको ऐसा होता है कि यार मेरे को क्वेश्चन की थ्योरी ज्यादा नहीं पता बट डायग्राम बढ़िया से आता, तो आप डायग्राम बनाओ जितनी पता थ्योरी उतनी लिखो। 5 नंबर का भी अगर हुआ और आपने नहीं भी लिखा ज्यादा तो 3-3.5 नंबर दे देगा, तो काफी है यार, जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगा। तो डायग्राम बनाओ प्रॉपर, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं बहुत अच्छा डायग्राम, देखो अच्छा डायग्राम बनाओगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छा इंप्रेशन गया तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मली डायग्राम बना रहे हो थोड़ा सा अच्छा बना दो, लेबलिंग अच्छी कर दो उसकी, तो डायग्राम भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेबलिंग प्रॉपर करना, नाम पूरा ढंग से साफ सुथरा दिखना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंक स्पेस फॉर डाउट क्वेश्चन। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डाउट यार ये मेरे को आ नहीं रहा, मेरे तो सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, या मैं बाद में करूंगा, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, जिससे क्या होगा एग्जाम के आखिरी में जब एग्जाम के 15-20 मिनट बाकी होंगे तब आप जब पेपर चेक करेंगे तब आप देखोगे कि यार ठीक है ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था, अब शायद मेरे को कुछ आ जाए कुछ नहीं आया, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया लिखने में भी चांसेस हो, तो थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में दुखना हो। अगला हम बात करें लर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू और द हिस्ट्री। मैंने आपको पहले बता दिया कीवर्ड्स बनाने हैं, कीवर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज और कुछ हिस्ट्री याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं लिखो, लेकिन अगर लिख दिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, थोड़े मार्क्स अच्छे आएंगे। आपको 5-10 नंबर बढ़ाने, 70 नंबर आ रहे हो तो आपको 80 नंबर चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी और लोगों से। अब हम बात करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको टिप्स, अब हम बात करेंगे जो चीजें आपको नहीं करनी, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं भावुक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भावुकता को रोकने के लिए कुछ काम किया है मैंने कहा थोड़ी जगह छोड़ दो, और बच्चे क्या है पूरी पूरी जगह छोड़ रहे हैं। बच्चों की आदत होती है एक क्वेश्चन हुआ पूरा पेज छोड़ा, अगला क्वेश्चन क्या पूरा पेज छोड़ा, ऐसा मत करो। हमें टीचर को ये नहीं बताना कि सर हमें पूरा क्वेश्चन नहीं आता, जब आप स्पेस छोड़ रहे हो उसका मतलब पता है आपको, स्पेस छोड़ने का मतलब टीचर को लगता है, और आपने पीटीओ नहीं लिखा, आपने एक लाइन नहीं करी, तो टीचर को लगता है यहाँ पर इसको और कुछ लिखना आता और उसने स्पेस लिख के छोड़ दिया, तो फिर भले आपने पूरा लिख दिया होगा ना 3 नंबर का तो भी डेढ़ देके छोड़ देगा, ये गलती नहीं करनी। और टीचर को ये फील नहीं कराना कि बच्चा मुझे पागल बनाने आया, बच्चा लिखेगा थोड़ा सा जगह ज्यादा छोड़ी जिससे मेरे को लगे कि बहुत मोटी कॉपी मतलब बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं होता, टीचर आपसे ज्यादा समझदार होते हैं। अगर हम बात करें अगली ओवर राइटिंग, बहुत बच्चों की आदत होती है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में ओवर राइटिंग कर देते हैं, ओवर राइटिंग मत करो, उसको कट करो नॉर्मली एक स्ट्रोक में जो मैंने सिखाया अभी आपको, और अगले पेपर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिटेल्ड आंसर ऑफ द वेरी शॉर्ट आंसर। मैंने आपको बता दिया भावुकता में भेकर के ओवर एक्साइटेड होकर के 2 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर ला लिख कर 2 नंबर लाते हैं वो पागल कहलाते हैं, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आप सही में पागल ही कहला रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना 10 लाइन क्यों लिखनी, 2 लाइन लिखो खत्म करो, तो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, क्वेश्चन को छोड़ो मत, लीविंग क्वेश्चन। बच्चे क्या गलती करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा था सर मैंने 5 नंबर के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, भैया छोड़ मत, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आता है थोड़ा बहुत आता थोड़ा बहुत लिख दे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि थोड़ा बहुत लिखा, आप गाने लिखे आओ, आप कोई रामायण लिखे आओ, आप अपने घर की बता दो। बहुत बच्चे होते थे, मैंने खुद किससे सुना है कि वो लिख के आते थे मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे को 10 बोर्ड में पास करा दीजिए, ये वो पापा डांटेंगे, ऐसा नहीं लिखना प्लीज। वहां पे आपको जो आता है प्लीज वही लिखिए, जो आपको नॉर्मली ठीक है उसके बारे में आता है। तो लॉट ऑफ अंडरलाइंस, बहुत ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सर ने कहा है अंडरलाइन करो, कीवर्ड बनाओ, मैंने कहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि शाम में इज एक्सीलेंट बॉय, ठीक है, सपोज करो लाइन है तो आपने शाम को अंडरलाइन कर दे, इसको अंडरलाइन कर दे, सबको ऐसा अंडरलाइन मत करो, पागल लोगों को छोड़ देते, ठीक है टीचर को, तो ज्यादा अंडरलाइन नहीं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बेस्ट ऑप्शन, और साफ सुथरा काम होना मैंने आपको बताया है। अगर हम बात करें फिर डाउट होना एनी कीवर्ड डोंट हाईलाइट, क्या होता है ना बच्चे भावुकता में जाते हैं, सर ने कह दिया हाईलाइट करना है, मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर बढ़ाने, क्या करते हैं उनको ना किसी टॉपिक में डाउट होता है ना कोई कीवर्ड में नहीं आता हो कीवर्ड, उन्होंने जबरदस्ती लिख दिया उसके बाद भी अंडरलाइन कर रहे हैं। अंडरलाइन मत करो अगर किसी भी कीवर्ड में अगर तुम्हें डाउट है तो, क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसे कीवर्ड पे अंडरलाइन कर दिया जिस पे आपको डाउट है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ, टीचर ने उसको देख लिया हाईलाइट कर दिया आपने, तो टीचर को लगेगा यार इसने गलत हाईलाइट किया, वो कट कर देगा पूरे क्वेश्चन को। तो
अगर आपको डाउट है नॉर्मली सिंपल साधा लैंग्वेज में लिख दो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ चीजें कुछ बातें, मतलब अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको पेपर अटेम्प्ट करना ही कैसे है, अगर पेपर आ गया तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले जाना आप, ठीक है, पेपर को देखो, बच्चों क्या होती है पहला क्वेश्चन उठाया और पूरी शुरू कर देता है, ऐसा नहीं करना, ये बेवकूफी होती है, ये एक्सीलेंस की कहीं से कहीं तक निशानी नहीं। समझदारी स्मार्टनेस इसमें कि आप पूरा पेपर को एक बार रीड करो, ठीक है, फिर क्या करोगे आप सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन राउंड वाइज, राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे हायर मार्क्स क्वेश्चन आपने देख लिया, आर वन मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, आर वन क्या होता है, आर टू क्या होता है, आर थ्री क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो इसमें ज्यादा नंबर का काम है। पांच नंबर के मेरे को आर वन मैंने देखा, आर वन में मैंने क्या देखा पांच नंबर के दो क्वेश्चन है, तीन नंबर के तीन क्वेश्चन, दो नंबर के पांच क्वेश्चन, पहले इनको अटेम्प्ट कर लो। और इस बात का ध्यान रखो कि पांच नंबर में आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितना बड़ा लिखना है, फिर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तीन नंबर में आपको कितना लिखना है, फिर ये देखो दो नंबर में। अब देखो आप दिमाग लगाओगे ना तो आर वन आपका हो गया, एक सवा घंटा में आर वन हो गया, अगले घंटे में क्या करें आर टू कर ले तो आधा पौन घंटे में आर टू कंप्लीट, कितना एक घंटा बचा आर थ्री के लिए रिमेनिंग वन, मतलब आर थ्री के लिए अब आपको आता कुछ नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप आर थ्री अटेम्प्ट करो, जिससे क्या होगा यहाँ तक तो मैंने 70 नंबर ले लिए, 30 नंबर नहीं मिलेंगे मेरे को, कंफर्म हूं मैं नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इतना तो होगा कि 30 में से 10 नंबर तो टीचर देगा, क्यों देगा क्योंकि आपने उसमें कुछ लिखा है। एक चीज याद रखना, अगर आप पेपर ब्लैंक छोड़ के आते हो टीचर के पास कहीं से कहीं तक राइट नहीं है, वो आपको नंबर दे दे, बट अगर आपने पेपर में कुछ भी लिखा है ना, कुछ भी का मतलब गाने नहीं होते, कुछ भी लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ लिखोगे ना तो टीचर के पास राइट है आपको मार्क्स देने का, क्योंकि टीचर समझता बच्चा कुछ तो पढ़ के आया था, उसने कुछ तो लिखा है, कुछ तो नंबर मिलेंगे, तो जहां 70 आ रहे थे वहां 80 आने की संभावना भरपूर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट लास्ट अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड चेक फॉर द लिविंग इन द डायग्राम। आखिरी मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपको यही समझाता हूँ कि देखिए पेपर आराम से दीजिए, पेपर हड़बड़ाहट में मत दीजिए, भले आप 6th क्लास में हैं या 12th क्लास में, अच्छे से पेपर देके आइए और दो चीजों का हमेशा ध्यान रखें, साफ सुथरा काम होना चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर है, अच्छे खासे स्टेप मार्किंग मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप एक चीज याद रखिए अगर आंसर नहीं आ रहा बट आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा तो 4.5 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं, बट आप स्टेप तो लिख के आइए, टीचर को लगे कि बच्चे को आता है लेकिन कोई बात नहीं, उसका आंसर नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 नंबर आपने दे दिए उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को आप हर जगह फैला दें, क्योंकि 6th क्लास लेकर 12th क्लास सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी वाले जेई वालों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सारे बच्चे, तो सब देखें, फायदा उठाएं इस ट्रिक का, और मैं गारंटी नहीं दे सकता बट एश्योरिटी दे सकता हूं कि यार अगर आप इसको अपनाएंगे तरीके से ढंग ढंग से तो 5 से 6 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे, और किसी किसी के में भी 10 नंबर बढ़ जाएंगे उसका भाग्य साथ हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल नेम इज कोटा की पाठशाला, और वीडियोज आते रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।